और मेरे साथ साथ सॉल्व करें प्लीज आप सब बच्चे। हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास है 2x प्लस 3y। थोड़ी मैं स्पीड स्लो रखूंगा और फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे जो इस साल भी बोर्ड में आया और हमेशा आता है। बस एक क्वेश्चन के बाद ही हम स्टार्ट कर देंगे। चलो एंड 2x माइनस 4y, सॉरी क्या होगा, इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो इसको आप मेंशन करेंगे 1 और इसको आप मेंशन करेंगे 2। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। ये मैं अलग से लिख रहा हूं। सीधा-सीधा एलिमिनेशन से कर सकते हैं ना? यस बिल्कुल सीधा-सीधा एलिमिनेशन से ही करेंगे बेटे। ये मुझे चाहिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 बेटे m तब आएगा जब इस पे हम y की वैल्यू और x की वैल्यू प्लेस कर दें और x y की वैल्यू हम यहां से लेंगे। तो सब बच्चे बताइए मुझे, अगर मुझे इसे एलिमिनेशन से करना है तो मतलब मुझे तो सबट्रैक्ट कर देंगे। यस वेरी गुड, मुझे तो यस हमें x या y को इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी x हमारा इक्वल है, यस और नो? जी सर। तो अगर हमारा x इक्वल है तो क्या दोनों के साइन सेम है या अपोजिट है? सेम है, सेम है सर, सेम है। अगर दोनों के साइन सेम होते हैं बेटे तो प्लस करते हैं माइनस करते हैं? माइनस माइनस। आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, शाबाश बेटे, वेरी गुड। तो आप यहाँ लिख दीजिए सबट्रैक्ट और जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये प्लस होगा। तो 2x 2x कैंसिल, 3y और 4y 7y एंड 24 एंड 11 35। तो y इज इक्वल्स टू क्या है बेटे? बहुत अच्छा, y इज इक्वल्स टू 5 को कहां प्लेस करें? यस 1 थोड़ा सा इजी लग रहा है, 14 1। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो आपके पास क्या आ गया बेटे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। तो 35 जा कितना होता है? 15। तो 11 माइनस 15 क्या होगा? माइनस 4। 2 से कैंसिल करेंगे तो x क्या आएगा? माइनस 2। दैट्स इट। तो हमारा यही आंसर, तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। तो एक पार्ट तो हमारा ये आ गया, हमें चाहिए था m का इक्वेशन, m की वैल्यू। तो अब हमारे पास क्या है, नाउ y इज इक्वल्स टू mx प्लस कितना था, 3 प्लस 3। y कितना है बेटा हमारा? 5। m कितना है? नहीं मालूम। x कितना है? माइनस 2 प्लस 3। तो 3 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना होगा? और माइनस 2m, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस में आएगा माइनस में आएगा? माइनस। m इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1। दैट्स इट, वेरी गुड वेरी गुड। सबको समझ में आया? यस सर, यस सर। ये हमारे पास थे 3 मेथड्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा मेथड नहीं समझ में आया था? ये एलिमिनेशन है, वो सब्स्टिट्यूशन था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है या नहीं? मर्जी है किसी से भी कर। नहीं मैं कह रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस कर ले तीनों मेथड, ठीक है, आपको आना चाहिए। अब देखो सर, जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके यहाँ, मैंने आपसे कहा है सॉल्यूशन और वर्ड प्रॉब्लम में से एक क्वेश्चन आता है, आइदर इन सॉल्यूशन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस और वर्ड प्रॉब्लम, और ये आपको आइडिया इससे हो जाएगा। 2020 में आप सब बच्चे देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया था, 43 मार्क्स, टैक्सी वाला है कैसे? ये देखो क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, ये बस क्वेश्चन था। जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर दिस। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब आपको इक्वेशन वर्ड फॉर्म में देता है, प्रॉब्लमेटिक फॉर्म में आपको पहले ट्रांसफॉर्म करना होता है, उसे छोड़िए। बट ये जो हमारा सेकंड पार्ट दिया हुआ है ये आप समझो, ठीक है सर। और ये क्या है आप ये देखिए, आप ये है क्या,
अपनी बुक में मार्क कर लीजिएगा, एक्चुअली 10th का सिलेबस इतना डिफाइंड है कि आप बहुत आसानी से 100% मार्क्स ला सकते हैं। ये देखो, ये एक्सरसाइज 3.6 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें आपके पास 8 पार्ट्स हैं और आप मान के चलिए 99% चांसेस होते हैं कि इसी में से आपका क्वेश्चन आए। अब जरा मुझे देख के बताओ, क्या इसमें से ही है ये क्वेश्चन या नहीं? सर 7th है। यस सर है। सर 4th वाला भी सिमिलर है। समझ में आ गया आप सब बच्चों को? यस सर। ये हमारे पास तो अब हमारा जो मेन एक्सरसाइज है बेटे वो हमें करना है 3.6। तो मैं आप सब बच्चों से कह रहा हूँ, प्लीज आप सब बच्चे जो है माशाल्लाह से सर बोर्ड वाले सीधा सीधा वैल्यू लिख देते हैं। सर आपके सामने है, हमने तो मजाक नहीं करा। सेम है तो सब कुछ? सर सब कुछ सेम ही आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? सर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही होते हैं ना उसमें ज्यादातर। 90% मार्क्स, 90% क्वेश्चन एज इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। मैं आपसे यही कहूंगा पहले एनसीईआरटी, बाद में कुछ और करना। तो मैं आप सब बच्चों से कह रहा हूँ, सर ये पिछले साल आया था? इस साल आया था सर। 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, एक्सरसाइज 3.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ठीक है सर? तो आपको सिर्फ इतने क्वेश्चंस करने हैं। नंबर के सर एक और डाउट था जी। सर एक्सरसाइज 3.3 है ना, इसमें क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट आया नहीं? अभी नहीं बताएंगे सर, वर्ड प्रॉब्लम्स बाद में बताएंगे। अच्छा ओके सर, अभी हम सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके कर रहे सॉल्यूशन, अभी सॉल्यूशन के बाद फिर हम लेंगे कंडीशन, क्योंकि कंडीशन के 2 क्वेश्चन रह गए थे, फिर हम लेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो 1 by 1 करते चलिए और उसे सॉलिड करते जाइए कि मेरा सॉल्यूशन हो गया, मेरा ग्राफ हो गया, इस तरह से अलग अलग मत करिए, कभी कुछ कभी कुछ। okay, मैं आप सब बच्चों से क्या कह रहा हूँ प्लीज सुन लीजिए। संगे मित्रा जी हैं आप यहाँ? संगे मित्रा हैं? आपकी कल की छुट्टी है? yes, sir, मैं बता रहा हूँ, आपकी कल की छुट्टी है, आपकी सैटरडे की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, मंडे की छुट्टी है। खुश? ठीक है, लेकिन मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, फिर भी मैं अवेलेबल रहूंगा। किसी भी बच्चे को कुछ डाउट्स एक्स्ट्रा वगैरह पूछने हैं, साजिद सर अवेलेबल रहेंगे, तो अगर पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। तो आपके पास इतना टाइम होगा तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये होमवर्क जरूर कर लीजिएगा आप सब बच्चे। चैप्टर 1 कर लीजिएगा, चैप्टर 2 कर लीजिएगा, चैप्टर 3 के क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। तो जब मैं ट्यूजडे क्लास लूं तो ये आपके पास सॉल्व कॉपी में होना चाहिए, प्लीज ये ध्यान कर। तो खैर, अब हमारा जो मेन पार्ट है वो एक्सरसाइज 3.6 है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, बोलिए जी, जी बोलिए। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट पूछना था। क्या करना है? सॉल्व करना है? यस सर। से कह रहे थे तब से तो पूछा नहीं है, चलिए अभी बताएंगे। इधर देखिए बेटे, हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 1st पार्ट। सब बच्चे जरा ध्यान से देख लीजिए, करना कुछ है नहीं इन सारों में। एक्चुअली क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसको, इसमें भी कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में स्पेशली क्या है कि वेरिएबल हमारे पास अपॉन में है। तो एक इक्वेशन को देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन को आप फिर अपने आप समझ लेंगे। सब बच्चे बहुत ध्यान से, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, जाग जाइए। 1/2x + 1/3y is equals to 2, ठीक है सर? ये हमारे पास। तो हमें प्रॉब्लम क्या है कि भई ये x और y अपॉन में क्यों है? नंबर अपॉन में होता तो हम LCM ले लेते, जो हमने पिछला किया अभी था लास्ट क्वेश्चंस में,
तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है। तो इन इक्वेशंस को ax plus by plus c की फॉर्म में लाना होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए, या मेरे हिसाब से कह लीजिए कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। तो होता क्या है, ये जो 1/x है और 1/y है, तो यहाँ एलसीएम तो ले नहीं सकते, हम क्या कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं जो भी चीज हमारे पास इक्वेशन में रिपीट हो रहा होगा उसे हम एज्यूम कर लेंगे। प्लीज आप देखिए, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 1/x है और सेकंड इक्वेशन में भी 1/x है, तो दोनों इक्वेशन में ये रिपीट हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं 1/x को, सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, हम a सपोज कर लेते हैं, ठीक है सर। फिर फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 1/y है, सेकंड में भी 1/y, व्हाटएवर इज सिमिलर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सिमिलर, सिमिलर क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, अगर आपने ये वाली टर्म समझ ली तो फिर आप दूसरी चीज समझ लोगे। इधर देखो जरा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सपोज करो, बस इतना ही समझना है टेस्ट में और कुछ नहीं था, सपोज करो ये हमारे पास क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान से देखो, तो इन दोनों इन दोनों इक्वेशन में क्या चीज आपको सेम नजर आ रही है, हमें अपॉन से प्रॉब्लम है बेटे, 3x plus y से प्रॉब्लम नहीं है, तो इस 1/3x plus y को हम a सपोज कर सकते हैं, एंड यहाँ 1/3x minus y, इतना सा ही लॉजिक है बेटे और पूरी एक्सरसाइज में, बस कहानी खत्म हो गई अगर आप समझ गए तो, और इसको हम b सपोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सा ऐसे नजर आएगी बेटे, a plus b is equals to 3/4, 4 को भी हम एलसीएम लेंगे तो ऐसे हो जाएगा 4a plus 4b is equals to 3, yes or no, सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. ये बात सबको समझ में आई, a plus b is 3/4, 4 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4a plus 4b is equals to 3। दूसरी इक्वेशन क्या नजर आएगी, a by 2 minus b by 2 is equals to 1/8, 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। तो सिर्फ इस इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करना होता है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है। या मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब आप हंसोगे फिर, जैसे कुछ साउथ इंडियन नाम होते हैं बड़े खतरनाक से, है भाई, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम था, क्या नाम था एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम, कोई बताएगा, है भाई उसकी जगह अगर हम उनका छोटा सा नाम रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ नाम रखे हुए होते हैं जी घर के नाम, ये कौन है, ये बिट्टू है, ये कौन है, ये पप्पू है, हैं जी ये कौन है, ये फेकू है, रखते ना ही नाम रखते, तो पूरा नाम रखने की जगह छोटा सा नाम रख देते हैं। तो मैं बस उसको वही कह रहा हूँ कि 1/x को 1/x ना कह के a कहेंगे और 1/y को 1/y ना कह के हम क्या कहेंगे सर, b कह देंगे, that's it। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमने जो पहली इक्वेशन ली है 1/2x plus 1/3y is equals to 2 और हमारे पास दूसरी है 1/3x plus 1/2y is equals to 13/6, तो हम क्या कह देंगे, इसको इसको हमने 1 कहा हुआ है यहीं पे हम रख देते हैं, इसको हमने 2 कहा हुआ है, तो 1 में क्या हो जाएगा 4/1, आपके पास आ जाएगा a by 2, b by 3 is equals to 2, yes or no, सब बच्चे बताइए, yes sir। अब यहाँ पे आप 2-3 को, अब आप 2-3 को रिमूव कर सकते हो ना, आप एलसीएम ले लीजिए, 3 2 6, so 3a plus 2b is equals to 2, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनली आपके पास इक्वेशन आएगी 3a plus 2b is equals to 12। सब बच्चे बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, अपने इक्वेशंस को इजीएस्ट फॉर्म में लिखना है, ax plus by is equals to c, हमारा वेरिएबल अपॉन में था हमने उसको हटा दिया है, हमारे पास कुछ नंबर्स अपॉन में थे उनका हमने एलसीएम ले लिया है, तो इस तरह से हमारे पास, तो इसको हम कह सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे 1-2 कहा था तो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं 3। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी 1/3x, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी,
यहाँ पे भी 1 अपॉन एक्स को हम ए रखेंगे तो 4 2, सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगा ए बाई 3 प्लस बी बाई 2 इज इक्व टू 13/6। एलसीएम कितना आएगा सर? 6 2a प्लस 3b13/6 तो फाइनली इक्वेशन क्या आ गई? 2a प्लस 3b प्लस 3b इज इक्व टू 13। बस यही कॉन्सेप्ट है बेटे पूरे एक्सरसाइज 3.6 में इन ऑल पार्ट्स। ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा आप सिर्फ थर्ड इक्वेशन को चेक करो और फोर्थ को चेक करो, तो अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं? कोई बच्चा बताएगा मुझे? यस सर, फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी एलिमिनेशन से, नॉट सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन ही इजी होता है। एलिमिनेशन जी, तो सर थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मल्टीप्लाई करिए सर, तो हमारे पास क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 8, 2 2 4 b, 12 2 24, इसे 3 से करेंगे, 3 2 6 a, 3 3 9 b, 13 3 39। अब क्या करें भाई? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 3 या 4 मार्क्स के लिए आना है, ध्यान रहे, तो इसलिए टाइम देना है इस क्वेश्चन को। 4 -9 -5 b, 24 -39 -15, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 3। सब बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आया? अब आपके पास जो a और b की इक्वेशन है वो थर्ड या फोर्थ है, फर्स्ट और सेकंड नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो थर्ड में रख दीजिए, अब फोर्थ में रख दीजिए, पुट इन फोर्थ, तो आपके पास क्या आएगा? 2a प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 13। 13 माइनस 9 क्या होता है? 4 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा? तो अब आपके पास ध्यान से देख लीजिए, आपके पास ध्यान से देख लीजिए, a की वैल्यू 2 आई है और b की वैल्यू 3 आई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके पास जो क्वेश्चन है वो a और b में नहीं है बेटे, आपके पास जो क्वेश्चन है वो x और y में है, तो आपको आंसर भी x और y का ही लाना है। तो अब यहाँ पे आपको वापस इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, व्हाट इज a? एक्चुअली क्या था, आपने 1 अपॉन x को a सपोज किया था और a की वैल्यू आई है 2, तो 2 तो आएगा बेटे अपॉन में और x आएगा ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 1/2, एंड आपने 1 अपॉन y को कंसीडर किया था b और b की वैल्यू आई है 3, तो अगेन y यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, तो y इज इक्वल्स टू 1/3, तो आंसर आपका x कितना है? 1/2, और y कितना है? 1/3, that's it, ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? Yes sir. Yes sir. कुछ नहीं करना है, करना सिर्फ यही है कि जो हमें नाम टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है उस नाम को सिंपल नाम में रखना है, बस इतना सा ही करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक समझ में आया हो तो मैं आपको बोर्ड का ही क्वेश्चन करके दिखा दूं। सब बच्चे देखिए, हमने आपसे क्या कहा है, जो भी सिमिलर लगेगा उसे हम सपोज करेंगे, और ये 7th और 8th है, सबसे ज्यादा लेंथी पार्ट होता है, ये हमारे पास है, ये 2020 आपके पास बोर्ड में आया है, CBSE इसी साल बोर्ड का पेपर है, और वो भी आपका स्टैंडर्ड जो मैथ्स का पार्ट होता है। तो अब ये हमारे पास क्या है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। हमने आपसे क्या कहा है, दोनों इक्वेशन में जो चीज सेम होती है उसको अज्यूम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा, आप सब बच्चे देखिए, लेट
अपॉन में है, प्लीज ध्यान रखिए, x प्लस वाई को सपोज नहीं करेंगे, 1 अपॉन x प्लस वाई को सपोज करेंगे, 1 अपॉन x प्लस वाई इज a, और किसको सपोज करेंगे, 1 अपॉन x माइनस वाई, यस 1 अपॉन x माइनस वाई को सपोज करेंगे, दैट इज b, तो पुट इन 1, अगर आप 1 में रखेंगे बेटे तो आपके पास आएगा tan a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, सब बच्चे बताओ समझ में आया क्या? जी सर, सभी बच्चे बताइए प्लीज, यस सर, जी सर, tan a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, क्या हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से कैंसिल कर सकते हैं? यस सर, हमारे पास वहां पे नहीं है, असल में कर ही देते हैं, चलो पूरी इक्वेशन को 2 कॉमन ले लीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो चाहे आप कहिए, तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी, 5a plus b is equals to 2, तो ये इक्वेशन हो गई थर्ड, और जो हमने a b सपोज किया है उसको सेकंड में भी रख देते हैं, इन 2 आपके पास इक्वेशन आएगी 15a minus 5b is equals to minus 2, ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गया, सब बच्चों को समझ में आया क्या? हाँ भाई, बच्चे तो बहुत सारे बोलते कम है, पता नहीं क्या बात है। यस सर। सुमैया आपको समझ में आ रहा है? सुमैया सर, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही हमारे वो डिपेंड करेगा, देखो आपको a को इक्वल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, b को इक्वल करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, चॉइस इज योर्स, तो चलो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और 4 को नहीं करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 4 को 1 से ही कर देते हैं, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास क्या आएगा, 3 5 15a, 3 2 6, 15a minus 5b is equals to minus 2, ये दो क्वेश्चन मैंने कर दिए, फिर आप दो क्वेश्चन नेक्स्ट आप करेंगे बेटे मेरे साथ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सब्ट्रैक्ट करना है हमें, माइनस प्लस प्लस 15a कैंसिल, 3 5, 8b is equal to 8 plus 2, b is equals to 1, that's it, b is equals to 4 में रख दीजिए, put in 4, आपके पास क्या है, 15a minus 5b is equals to minus 2, 5 को इधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, 15a is equals to 5 minus 2, 3 होता है, तो a is equals to 3 by 15, 1 by तो हुआ क्या है, थोड़ा सा समझने के लिए कर लीजिए, a की वैल्यू आई है 1 by 5 और b की वैल्यू आई है 1, यस और नो? भाई अगेन प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन हमारा x y में था, बट 1 अपॉन x प्लस y को आपने a सपोज किया था और a की वैल्यू आई है 1 by 5, तो आप कह सकते हैं x plus y is equals to 5, yes or no? Yes sir. Yes sir. And 1 upon x minus y aapne kaha tha b and b is 1, so x minus y is 1, so now you have, please dhyan se dekh lijiye, ab aapke paas equation aa gayi 5 and second, do bar question solve ho raha hai, kal maine is tarah ka question aapko bataya tha, एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार सिंपल कुछ नहीं करना, 5 plus 6, तो शायद y कैंसिल हो जाएगा, 2x will be 6 and x will be 3, yes or no? जी सर। और अगर आप माइनस करेंगे 5 minus 6, तो ये ध्यान से देख लीजिए, माइनस ये प्लस ये माइनस, तो x कैंसिल होगा, 2y is equals to 4, तो सिंपली y is equals to 2, ये हमारे पास, जरा एक बार इसको पेन से करके देखो सबके सब, चलो सॉल्व करो, पहले से लिखिए सब बच्चे सारे के सारे, फिर एक क्वेश्चन आप ही करेंगे इंशाल्लाह मेरे साथ।
सब बच्चे लिखो जरा एक बार, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेटे, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, सारे पार्ट आपने कर लिए खुद से तो इंशाल्लाह आपके 3 मार्क्स सेव हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे, बढ़िया बात। सर हो गया सर, सर x3y2। बहुत अच्छे, शाबाश। जिन बच्चों ने कर लिया वो 8th पार्ट करें जरा। हेलो, ठीक है हाँ, ऊपर बाथरूम है सब्जेक्ट लेकर आओ एक जल्दी से। अरे मेरे अल्लाह।